हम आज प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पशुओं का गर्भित होना आवश्यक है, साथ ही साथ पशु के गर्भावस्था का आकलन या परीक्षण करना भी आवश्यक है कि पशु गर्भित हुआ या नहीं हुआ। अतः गर्भावस्था मादा पशु की वह अवस्था है जब उसके गर्भाशय में गर्भ का विकास हो रहा हो। तो हम प्रेगनेंसी किसको कहेंगे, ये फीमेल एनिमल्स की वह स्टेज है जबकि उसके यूट्रस में गर्भ का विकास हो रहा हो, तो हम उसको गर्भावस्था बोलते हैं। और इंसेमिनेशन के पश्चात या वीर्य सेचन के पश्चात ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि मादा प्रेग्नेंट है या नहीं, और इंसेमिनेशन के पश्चात पशु वापस हीट में नहीं आता है तो हम मानते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है, पशु गैबिन है, लेकिन फिर भी उसकी प्रेगनेंसी का परीक्षण करना आवश्यक है। और पशुओं में प्रेगनेंसी निम्न प्रकार से पता लगा सकते हैं। उसमें पहला है प्रेगनेंसी स्थिति में मादा में होने वाले परिवर्तन, जो प्रेग्नेंट काऊ है उसमें होने वाले परिवर्तन के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति है प्रेगनेंसी में सीक्रेट होने वाले हार्मोन द्वारा भी हम उसकी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। तीसरा है रेक्टल पाल्पेशन द्वारा, और फोर्थ है एक्सरे अथवा अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा। इसमें जो सबसे पॉपुलर विधि है वो हमारे चित्र में भी इसमें डायग्राम में दिखाया गया, वो है पहली है रेक्टल पाल्पेशन। फार्म पशुओं गाय भैंस घोड़ी, इसमें प्रेगनेंसी की स्थिति ज्ञात करने के लिए रेक्टल द्वारा जनन अंगों को अनुभव करने की विधि सफल मानी गई, लेकिन छोटे पशु जैसे भेड़ बकरी में ये रेक्टल पाल्पेशन उपयोगी नहीं है, और उनमें जो एब्डोमिन में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के द्वारा ही प्रेगनेंसी का पता लगा सकता है। इसमें इसकी परीक्षण विधि, सबसे पहले हम ड्रेस पहनेंगे, एप्रिन पहनेंगे और गमबूट पहनेंगे, और एक हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनेंगे, और साबुन का पानी लगाकर हाथ को धीरे धीरे हम रेक्टम में प्रवेश कराएंगे। हम सावधानी पूर्वक उस रेक्टम में हाथ डालकर उसका गोबर बाहर निकालेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि पूरा हाथ बाहर नहीं निकले, नहीं तो रेक्टम में हवा प्रवेश कर सकती है। अब हम जैसा कि चित्र में दिखाया गया जनन अंगों को छूकर या परिस्पर्श द्वारा हम गर्भाशय की स्थिति का पता लगाते हैं, और इसमें गर्भाशय में प्रथम 35 दिन में गर्भाशय के आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है, लेकिन कॉर्पस लूटियम की उपस्थिति गर्भावस्था का सूचक है। और ये इस प्रथम 35 दिनों में भ्रूण की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। अब 6 सप्ताह के पश्चात यानी 1.5 महीने के पश्चात गर्भाशय में गर्भित श्रृंग हॉर्न का आकार बढ़ता है तथा हॉर्न की भित्ति को अंगुली व अंगूठे के बीच दबाकर ऊपर उठाने पर एमिनियोटिक झिल्ली एमिनियोटिक मेम्ब्रेन हाथ से छूटती प्रतीत होती है। भ्रूण की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाती है। अब है 8 सप्ताह पश्चात जो गर्भित पशु है उसमें हॉर्न जो यूट्राइन होने लगभग 8 गुना अधिक बढ़ा, और लगभग 12वें सप्ते तक आकार में वृद्धि के कारण गर्भाशय पेल्विक केविटी से निकलकर एब्डोमिनल केविटी में फैलने लगता है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम भी उदर गुहा में चली जाती है, अतः उन्हें स्पर्श करना आसान नहीं होता है, और भ्रूण का आकार 12 से 14 सेंटीमीटर तक हो जाता है, और मध्य गर्भाशय में धमनी में कंपन फर्मीटस का आवास होने लगता है,
मध्य गर्भाशय में धमनी में कंपन का आभास होने लगता है। अब 16वें सप्ते में जो एब्डोमिन है, उदर गुहा है, उसमें गर्भित श्रृंग जो प्रेग्नेंट यूट्राइन फुटबॉल की तरह हो जाता है। इसके पश्चात कोटलीडेंस दोहरी गर्भाशय झिल्ली तथा बढ़ी हुई मध्य गर्भाशय धमनी का कंपन फर्मिटस महसूस किया जा सकता है। यहाँ भ्रूण का आकार 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अब 25वें सप्ताह में गर्भ जो यूट्रस है वो उदर गुहा के तल पर पहुँच जाता है और फर्मिटस बहुत तेज हो जाती है 25वें सप्ताह में, और भ्रूण का आकार 40 से 45 सेंटीमीटर हो जाता है। इसमें जैसे जैसे प्रसव काल बढ़ता है, भ्रूण विकसित होकर पुनः वस्ती गुहा में प्रवेश करता है तथा भ्रूण का सिर, मुंह, अग्रपाद यानी फिट अग्रपाद अनुभव कर सकते हैं। ये हुआ जैसे जैसे प्रसव काल बढ़ता है। अब जैसे इसमें टेबल में दिखाया गया है, फार्म पशुओं का प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड प्रसव काल कितना होता है। जैसे टेबल में दिखाया गया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँटनी, इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो औसत और थंब रूल क्या है। जैसे केटल काऊ का गेस्टेशन पीरियड होता है 280 दिन, इसका थंब रूल है 9 महीने 9 दिन। भैंस का 310 दिन, 10 महीने 10 दिन, और भेड़ का 148 डेज यानी 5 महीने 5 दिन, बकरी 151 डेज 5 महीने 5 दिन थंब रूल, घोड़ी 337 डेज 337 दिन थंब रूल है इसका 11 महीने 11 दिन। इसी तरह कैमल में सी कैमल यानी ऊँटनी, इसका 377 दिन 12 महीने 12 दिन। तो ये इस प्रकार फार्म के में पाए जाने वाले पशुओं का गेस्टेशन पीरियड और उनका थंब रूल कितना है, उसके हिसाब से हम पशु का खान पान का ध्यान रखते हैं और प्रेगनेंसी का अजम्पशन कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टेबल में दर्शाया गया रेक्टल पाल्पेशन द्वारा गर्भ का परीक्षण, इसमें जैसे टेबल में दिखाया गया प्रजाति गाय और भैंस है, प्रजाति अंग और गर्भावस्था दिनों में, कितने दिनों में प्रेगनेंसी होगी, 45 दिन में, 60 दिन में, 90 डेज में, 120 डेज में और 150 डेज में। पहला जो अंग है वो है वेजाइना 45 दिन में सूखी होगी, 60 दिन में सूखी व झुर्रीदार, 90 दिन में सूखी व झुर्रीदार, 120 दिन में सूखी व झुर्रीदार, 150 दिन में सूखी झुर्रीदार। और ओस सर्वेक्स गिर्वमुख, ओस सर्वेक्स जो गिर्वमुख है 45 दिन में बंद रहता है, 60 में भी बंद रहता है, 90 में बंद रहता है और 120 में भी बंद रहता है, और 150 दिन में आंशिक रूप से खुल जाता है। अब है यूट्रस, एमनियोटिक झिल्ली का फिसलना तथा पुनः गुहा में महसूस होना, एमनियोटिक और इसमें जैसे 60 दिन में एमनियोटिक झिल्ली का फिसलना, 90 दिन में भ्रूण महसूस होना, 120 दिन में भ्रूण का उदर गुहा में चला जाना और 150 दिन में भ्रूण का साइज में बढ़ जाता है। अब ओवरी में 45 दिन में पीत पंडी यानी कॉर्पस लूटियम उपस्थित होता है, 60 दिन में भी कॉर्पस लूटियम उपस्थित होता है और 90 दिन में कॉर्पस लूटियम उपस्थित और डिम का आगे की तरफ खिंचाव, और 120 दिन में डिम का आगे की तरफ खिंचाव और 150 दिन में डिम का पहुँच से बाहर होना। अब है यूट्राइन हॉर्न, गर्भित श्रृंग का आकार थोड़ा सा बढ़ने लगता है, ये 45 दिन में लगभग 5 सेंटीमीटर, 60 दिन में आकार में गुब्बारे जैसा महसूस होना और इसका साइज 8 cm, और 90 दिन में आकार और अधिक बढ़ जाता है और इसका साइज 15 सेंटीमीटर हो जाता है, और 120 दिन में बड़े आकार के साथ कोटलीडन भी महसूस होना।
और 150 दिन में गर्भित उदर में चले जाना। तो ये तो हुआ उसका यूटराइन हॉर्न के बारे में। अब है फीटस साइज, गर्भ का आकार 45 दिन में जैसा कि टेबल में दिखाया गया 3 सेंटीमीटर, 60 दिन में 5 सेंटीमीटर, 90 दिन में 13 सेंटीमीटर और 120 दिन में 25 से 30 सेंटीमीटर और 150 दिन में 40 सेंटीमीटर। तो ये है कि रेक्टल पेल्पेशन विधि द्वारा हम गर्भ का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। अब ब्याने के बाद दोबारा गाय को गाभिन कब कराएंगे? अच्छी गाय वह मानी जाती है जो कि प्रतिवर्ष नियमित रूप से बच्चा देती है। साधारणतः 12 से 14 महीने की अवधि अच्छी मानी जाती है। ब्याने के तुरंत पश्चात गाय को इंसिमिनेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ब्याने के बाद गर्भाशय को अपने सामान्य अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। इसलिए ब्याने के 45 से 60 दिन के अंदर गाय को दोबारा गाभिन कराना चाहिए। जिन गाय को ब्याने में असुविधा हो उसे और अधिक समय तक के बाद गाभिन कराना चाहिए। इस अवधि में गाय की जो जननेन्द्रियाँ हैं अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है और गाय फिर गर्भ धारण करने की स्थिति में रहती है। तो ब्याने के लगभग 40 दिन बाद गाय को ठीक तरह से देखते रहना चाहिए कहीं गाय हीट में तो नहीं, और पाली आने पर उसे संचित समय पर सांड से प्रजनन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा इंसिमिनेट कराना चाहिए। और यदि 90 दिन तक वो वापस नहीं होती है तो उसको सांड के पास ले जाकर और गर्भाशय हॉस्पिटल में उसकी निरीक्षण करना चाहिए। अतः गाय का आर्थिक रूप से हानि न हो इसलिए समय समय पर उसके जो ड्राई पीरियड है उसको चेक करना चाहिए, हॉस्पिटल दिखाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। इस प्रकार गर्भ की परीक्षा का विधि हमने स्टडी किया। थैंक यू।